आज अपन कक्षा सप्तमी का हिंदी विषय का पाठ 7 पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का शीर्षक है राखी का मूल्य। राखी का मूल्य पाठ जो है एकांकी विधा से लिया गया है। हरिकृष्ण प्रेमी ने इस एकांकी को लिखा है। राखी हम सभी जानते हैं एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जिसके माध्यम से व्यक्ति आपसी भेदभाव को भुलाकर एक दूसरे के रिश्ते नाते को समझने लगता है। यह पाठ दो ऐसी संस्कृतियों से जोड़कर लिया गया है जहाँ एक मुस्लिम संस्कृति है एक हिंदू संस्कृति है। यह एकांकी मेवाड़ के दुर्ग से ली गई है या यूँ कहा जाए कि मेवाड़ की दुर्ग की घटना को इस एकांकी में पिरोया गया है या समझाया गया है। तो जब हम मेवाड़ की बात करते हैं, मेवाड़ राजस्थान का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर कई राजपूत वीरों का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ। तो मेवाड़ के महाराणा सांगा जो कि एक बड़े ही योद्धा थे और सैन्य संचालन में उनका बड़ा ही एक विशेष योगदान था। किसी कारण से हमारे देश के ऊपर कई आक्रमण हुए, उसमें मुगलों का आक्रमण प्रारंभिक स्थिति में रहा। तो जब मुगलों से युद्ध करते हुए महाराणा सांगा वीरगति को प्राप्त हो गए, तो महाराणा सांगा की पत्नी कर्मवती ने मेवाड़ राज्य की बागडोर को संभाला, या यूँ कहें कि कर्मवती ने मेवाड़ के शासनकाल को अपने हाथ में लिया। उस समय जब अंग्रेज लोग देश में आए और उनके द्वारा एक आक्रमण की व्यवस्था थी, तो पहले मुगल लोगों ने देश के ऊपर आक्रमण किया। कर्मवती अकेली रह जाती है, दूसरे मुगल सैनिक आक्रमण पर आक्रमण करते हैं। उस समय हुमायूं नाम का बादशाह भारत का शासक बना हुआ था। कर्मवती अपने साथियों को संबोधित करते हुए जो बात कहती है उसका वर्णन इस पाठ में है। किस प्रकार से वह अपनी राखी हुमायूं को भेजती है और मेवाड़ राज्य की रक्षा के लिए प्रार्थना करती है। तो एकांकी में पहले भाग को हम समझेंगे और दूसरे भाग को अगले वीडियो में समझेंगे। देखते हैं अपन पात्र परिचय के रूप में राखी का मूल एकांकी के कौन कौन से पात्र बनाएंगे। एकांकी का मतलब होता है साहित्य में किसी एक घटना को माध्यम बनाकर उसका वर्णन करना एकांकी कहलाता है। जब हम पात्र परिचय देखेंगे, कर्मवती मेवाड़ की महारानी, महाराणा सांगा की पत्नी, बागसी एक योद्धा, हुमायूं बादशाह, तातर खां नाम का व्यक्ति है, हुमायूं का मित्र है, हिंदू में हुमायूं का सेनापति है, और कई पात्र छोटे छोटे इसके अंदर दिखाए गए हैं।
हम देखते हैं चित्तौड़ के राजमहल का दृश्य है। पहले दृश्य में चित्तौड़ के राजमहल का दृश्य दिखाया गया है। सारे लोग बैठे हुए हैं, दूसरे मुगल लोग उनके ऊपर आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेवाड़ की महारानी कर्मवती जो है अपने कौशल से, अपने शौर्य से, अपने बुद्धि से मेवाड़ के सभी क्षत्रियों को इकट्ठा करती है, उनको मेवाड़ राज्य की रक्षा के लिए प्रेरित करती है। तो अपन देखते हैं कर्मवती से संवाद प्रारंभ होता है। मेवाड़ में ऐसा रंगीन सावन पहले कभी नहीं आया होगा। वो कहती है कि मेवाड़ में ऐसा रंगीन सावन पहले कभी नहीं आया होगा। कहने का मतलब ये है युद्ध की स्थिति में मेवाड़ की सीमाएं घिरी हुई है। भाइयों, छत्राणियों की राखियाँ सस्ती नहीं होती। वो सबको संबोधित करती हुई कहती है कि छत्राणियों की राखियाँ सस्ती नहीं होती। राखी के इन धागों का बदला अपना सर्वस्व बलिदान है, यानी कि जो हमारी राखी है इसका जो मूल्य है वह अपने को सर्वस्व बलिदान करना है। जिन्हें प्राण देने का चाव हो वे ही ये राखियाँ स्वीकार करें। अर्थात जो मेवाड़ की रक्षा के लिए आगे आ सकता हो वो ही इन राखियों को स्वीकार करें। एक क्षत्रिय कहता है, मेवाड़ के क्षत्रियों को यह बात नए सिरे से नहीं समझनी होगी माँ, हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण देते आए। वो कहता है कि हम तो जीवन में हमेशा मेवाड़ के लिए हंसते हंसते अपने प्राण देते आए। हमारी इस अजय शक्ति का स्रोत आप बहनों की राखियों के धागे ही तो है। वो कहते हैं कि हम युद्ध जाते हैं, युद्ध में आप लोगों का हौसला, आप लोगों का स्नेह हमको बल देता है, यही तो हमें बल देता है। ठीक है, कर्मवती कहती है धन्य हो वीरो। वो कहती है वीरो तुम धन्य हो, तुमसे ही आशा थी। अच्छा जाओ, राखी की इस मर्यादा में बंधकर प्रतिज्ञा करो कि प्राण रहते मेवाड़ की पताका को झुकने न दोगे। कर्मवती ने क्षत्रियों से कहा तुम जाओ और इस बात की प्रतिज्ञा करो कि अपने प्राण रहते मेवाड़ की पताका को झुकने नहीं दोगे। अर्थात शत्रु के सामने मेवाड़ को पराजित नहीं होने दोगे। फिर सभी लोगों ने कहा यही होगा माँ, यही होगा। कर्मवती ने कहा मेवाड़ के सपूतों तुम ही मेवाड़ के अभिमान हो। उसने अपने सैनिकों से कहा कि तुम ही मेवाड़ के अभिमान हो, तुम्हारी कीर्ति अमर है। यानी कि इतिहास में जो मेवाड़ के राजपूत है उनकी यश गाथा आज भी गाई जा रही है। जाओ, रणभूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, और बहनों तुम घर जाकर वीर व्रत की तैयारी करो। कर्मवती ने सैनिकों से कहा तुम जाओ, रणभूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, और जो नारियाँ थी राजपूत स्त्रियाँ उनसे कहा कि तुम प्रार्थना करो ईश्वर से कि हमारा मेवाड़ सुरक्षित रहे। फिर उसके बाद एक युद्ध का प्रवेश होता है। कर्मवती कहती बागसेन जी युद्ध का क्या हाल है। कर्मवती बागसेन से पूछती है बताओ युद्ध क्या स्थिति है। बागसेन कहता है राजपूत वीरता से लड़ रहे महारानी। क्या कहा, राजपूत बड़ी वीरता से लड़ रहे हैं, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है। क्या कहा बागसेन ने, हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का यूरोपीय तोपखाना आग उगल रहा है। आधुनिक हथियारों की कमी थी तो जो यूरोपीय तोपखाना था शत्रुओं के पास था वो गोले बरसा रहा था, उसका मुकाबला तलवारों से तो हो नहीं सकता। हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मारकर मरेंगे। क्या कहा बागसेन ने, मृत्यु तो तय है लेकिन पहले हम बहुत सारे को मारेंगे उसके बाद मरेंगे, पर दुख है तो यह कि मरकर भी आन की रक्षा न कर पाएंगे। वो कहते हैं ये कि मरने के बाद भी हम मेवाड़ को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। कर्मवती कहती है बड़ा कठिन समय है, इस समय मेरे स्वामी नहीं है, उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने किसका साहस था। यानी कि यदि महाराणा सांगा होते तो मेवाड़ के ऊपर कोई आक्रमण करने का अधिकार भी नहीं कर सकता, उनके रहते किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेवाड़ के ऊपर आक्रमण कर सके। मेवाड़ की सीमा में तो पैर रखने का साहस ही कौन कर सकता था। बागसी जी, हमने अपनी वेमनस की आग में अपने हाथों अपना स्वाहा कर लिया, अर्थात
आपसी भेदभाव के कारण, छोटे बड़े पदवी के कारण, एक दूसरे को आपस में लड़ने के कारण आज हम संगठित नहीं हैं, हम बिखर चुके हैं। सारी अलग अलग राजपूत कौम जो है अलग अलग हिस्सों में बिखर चुकी है, जिस कारण से हम शत्रु का सामना करने की स्थिति में नहीं है। इस प्रकार से कर्मवती ने बागसी से कहा। बागसी कहता है कि अब पश्चाताप का समय नहीं देवी, अब तो हमें मार्ग बताइए कि अब हमें क्या करना है। कर्मवती ने कहा, मुझे एक उपाय सूझा है। चारों तरफ से कर्मवती घिर जाती है तो वो अपने मन में कोई उपाय सोचती है, उस उपाय को वह बागसी के सामने प्रकट करना चाहती है। बागसी कहता है, महारानी क्या उपाय सूझा है? कर्मवती ने कहा, मैं बादशाह हुमायूं को राखी भेजूंगी। क्या कहा कर्मवती ने? मैं बादशाह हुमायूं को राखी भेजूंगी। किस लिए? मेवाड़ की सहायता के लिए। जवाहर भाई कहती, हुमायूं को एक मुसलमान को भाई बनाओगी? एक सहेली थी, सखी थी कर्मवती की, जवाहर भाई, उसने कहा कि क्या तुम मुसलमान को भाई बनाओगी? कर्मवती, चौंकती क्यों हो? कर्मवती ने कहा, चौंकती क्यों हो, वे भी तो इंसान हैं, उनके भी तो बहने होती है, सोचो तो, बहन क्या उनके हृदय नहीं है? उनका क्या मुसलमान लोग हृदय नहीं है? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं और मस्जिद में जाते हैं तो क्या? बागसी ने कहा, किंतु और भी तो बाधा है। क्या बादशाह हुमायूं पुराने बेर भुला सकेगा? महाराणा सांगा ने बादशाह हुमायूं को पहले सिकरी के युद्ध में परास्त कर दिया था, तो सिकरी के युद्ध के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिट सकेंगे? क्या हुमायूं इस बात को भूल पाएगा? यह बात बागसी ने कर्मवती से कही। कर्मवती ने इस संबंध में क्या कहा? हमारी राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे गांव भर देती है। कर्मवती ने कहा, हमारी राखी एक ऐसा नुस्खा है या एक ऐसी औषधि है जो सारे घाव भर देती है। अर्थात हुमायूं के मन के अंदर यदि महाराणा सांगा के प्रति कोई द्वेष भाव है, हमारी राखी पाकर वह इन सारे भाव को भूल जाएगा। राखी वह वरदान है जो सारे बेर भाव को जलाकर भस्म कर देती है। उसने कहा कि मेरी राखी या किसी की भी राखी हो, राखी जैसे पवित्र रिश्तों को मानने के पश्चात हर व्यक्ति आपसी बेर भाव भूल जाता है। इस ओर कर्मवती का संकेत है। बहन की राखी पाकर क्या कोई बेर विरोध याद रख सकता है? उसने कहा कर्मवती ने कि बहन की राखी पाने के बाद कोई बेर भाव या विरोध नहीं रख सकता। जवाहर भाई कहती है, लेकिन वह हमारा शत्रु है। जवाहर भाई ने कर्मवती को कहा, वो हमारा शत्रु है। कर्मवती, ऐसा न कहो, हमारी तरफ भारत भी तो हुमायूं की मातृभूमि हो चुकी है। हुमायूं ने भारत के ऊपर अपना अधिकार कर लिया था, वे हमें अपना समझें और हम उन्हें, यानी कि एक दूसरे को अपना समझेंगे, यही स्वाभाविक है। उसने कहा, यही उचित है, यही उचित है। इस विकट अवसर पर मेवाड़ की रक्षा का और कोई उपाय भी तो है नहीं। उसने कहा, इसके अलावा मेरे पास मेवाड़ की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। बागसी जी, आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या राय है? बागसी कहते हैं, हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं, सम्मति देना नहीं। उन्होंने कहा, जो महारानी कर्मवती आज्ञा देगी हम उसका पालन करेंगे, हम किसी प्रकार से अपनी ओर से राय या सुझाव प्रस्ताव नहीं दे सकते। कर्मवती, अच्छा तो फिर यही हो, भ्रातृत्व और मनुष्यत्व पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। वो कहते, भाईचारा, मनुष्य की भावना, इन पर विचार करके आज हुमायूं की परीक्षा ली जाए कि क्या हुमायूं हमारी राखी पाकर मेवाड़ की रक्षा के लिए तैयार होगा कि नहीं। लीजिए यह राखी और यह पत्र, आज ही दूत के हाथ में राखी हुमायूं के पास भेजिए। राखी भेजते हुए, पत्र भेजते हुए कर्मवती ने जवाहर भाई को अपना पत्र दिया। अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कौन कितने पानी में है, और यह भी प्रकट हो जाएगा कि एक राजपूतानी की राखी में कितना ताकत है। इस प्रकार से संवाद करने के पश्चात कर्मवती ने अपनी राखी जो है और एक पत्र के साथ
हुमायूं को भेज दी। पत्र लिखा होगा किस प्रकार से वो मेवाड़ की सहायता के लिए अपनी राखी जो है हुमायूं को भेजती है। इसके आगे का हिस्सा हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पहले दृश्य में हमने कर्मवती, महाराणा सांगा की पत्नी, मेवाड़ का दृश्य, मेवाड़ शत्रुओं से घिरा हुआ है और शत्रु सेना सामने है, लेकिन राजपूत लोग उनसे युद्ध करना तो चाहते हैं, लेकिन यूरोपियन तोपखाने के सामने संख्या कम होने से वह शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति को देखकर कर्मवती ने हुमायूं को अपनी राखी भेजी। अब अगले दृश्य में हुमायूं कर्मवती की राखी पाकर क्या विचार करता है, इस भाग को हम अगले वीडियो में समझेंगे। राखी का मूल्य एकांकी का दूसरा भाग हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। पहले दृश्य में हमने देखा था कि कर्मवती हुमायूं को अपनी राखी भेजती है। कर्मवती की राखी लेकर उसका दूध जो है हुमायूं के पास जाता है। दूसरे दृश्य में हम देखते हैं हुमायूं का कैसा, बिहार के गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा, बिहार में गंगा नदी के किनारे हुमायूं का फौजी डेरा पड़ा हुआ है। पहरेदार, हुमायूं का पहरेदार अभिवादन करते हुए, जहाँ पना खिदमत में मेवाड़ से एक दूत आया है। पहरेदार ने हुमायूं को जाकर कहा कि मेवाड़ से आपकी खिदमत में एक दूत आया है। हुमायूं, मेवाड़ से यही भेज दो। जैसे उसने सुना मेवाड़ से, मेवाड़ नाम सुनते ही हुमायूं का मेवाड़ से यही भेज दो। पहरेदार वहाँ से चला जाता है। जैसे उसने पहरेदार से सुना, हुमायूं ने कहा मेवाड़ का दूत। एक आश्चर्य के साथ हुमायूं ने विचार किया कि मेवाड़ का दूत हमारे यहाँ क्यों आए। मेवाड़ लफ्ज में कुछ जादू है, हुमायूं कहता है कि मेवाड़ लफ्ज में ही कुछ जादू है। बयाना और सिकरी की लड़ाई में भी शहंशाह बाबर के साथ था। राजपूतों से हमारी फौज कैसे खौफ खाती थी, यानी कि राजपूतों से हमारी सेना कैसे डरती थी। राणा सांगा, उन्हें तो खुदा ने फौलाद से बनाया था। राणा सांगा की वीरता करते हुए हुमायूं कहता है कि उन्हें तो भगवान ने, खुदा ने फौलाद से बनाया था। फौलाद का मतलब इस्पात, लोहा। उनकी तिरछी नज़र कयामत का पैगाम थी, है ना। जब महाराज सांगा जो थे, उनकी तिरछी नज़र होती थी तो मानो कोई कयामत आने वाली हो, कोई युद्ध की अंत होने वाला हो। मेवाड़ पर सुना है आजकल बहादुर शाह ने चढ़ाई कर रखी है। हुमायूं कहता है कि ऐसा लगता है, मैंने सुना है कि बहादुर शाह ने मेवाड़ के ऊपर चढ़ाई कर रखी है। फिर दूत का प्रवेश। इस प्रकार से कर्मवती का दूत हुमायूं के डेरे पे, अड्डे पे पहुंच जाता है। हुमायूं, आओ मेवाड़ के बहादुर। हुमायूं ने कहा आओ मेवाड़ के बहादुर। दूत कहता है स्वर्गीय महाराणा सांगा की महारानी कर्मवती ने आपको यह सौगात भेजी है, आपको यह संदेश भेजा है, यह भेंट भेजी है। हुमायूं कहता है, हाथ बड़ा कर लेता है, मेरी किस्मत, सेनापति तुम जानते हो कि मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ। हुमायूं ने कहा कि मैं हमेशा मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ, जो एक बहादुर को करनी चाहिए। यानी कि मेवाड़ एक प्रकार से बहादुरी का प्रतीक है और मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। वहाँ की खाक भी सर पर लगाने की चीज़ है, यानी कि वहाँ की मिट्टी भी इतनी पवित्र है कि उसको सर पर लगाया जाए। अब तातार खां, मेवाड़ का साथी था, वो कहता है दुश्मन की तारीफ करने में जहाँ पना से वर्गर, यानी कि दुश्मन की तारीफ भी आप अच्छी तरह कर लेते हो। हुमायूं, दुश्मन कौन दुश्मन, वे सब हमारे भाई है। हुमायूं कहता कौन दुश्मन, किसका दुश्मन, वो सब हमारे भाई है, हम सब एक ही खुदा के बेटे तो है ना, यानी हम सब ईश्वर की संतान है। तातार, हाँ देखो तो इसमें क्या लिखा है। हुमायूं कहता है कि देखो तो सही कि मेवाड़ की महारानी कर्मवती ने मेरे लिए क्या भेजा है। हुमायूं पत्र पढ़ते पढ़ते मग्न हो जाता है। जब हुमायूं कर्मवती के द्वारा लिखे गए पत्र को पढ़ता है, जिसके अंदर कर्मवती ने मेवाड़ की रक्षा के लिए हुमायूं को अपने पत्र में जो जिक्र किया था, उसको पढ़ने के बाद हुमायूं जो है अपने आप में मग्न हो जाता है। सेनापति, जहाँ पना ऐसे मग्न है कि महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है। जादू का पिटारा ने आश्चर्य की वस्तु,
कि आप तो ऐसे मग्न हो रहे हो जैसे महारानी कर्मवती ने कोई जादू का पिटारा भेजा है। हुमायूं, सेनापति, उन्होंने सचमुच जादू का पिटारा भेजा है। सेनापति को संबोधित करते हुए हुमायूं कहता है कि वाकई कर्मवती ने हमें एक जादू का पिटारा भेजा है। मेरे सुने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमका है। क्या कहा उन्होंने? मेरे खुले आसमान में कर्मवती ने मोहब्बत का चांद चमका है, मुझे बहन मिल गई है। क्या कहा हुमायूं ने? मुझे बहन मिल गई, उन्होंने मुझे राखी भेजकर अपना भाई बनाया है। क्या कहा? कर्मवती ने मुझे राखी भेजकर अपना भाई बनाया है। इस प्रकार से संबोधन करने के बाद हुमायूं ने दूत से कहा, बहन कर्मवती से कहना हुमायूं तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। क्या कहा? कि बहन कर्मवती से कहना कि हुमायूं उसके सगे भाई से बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की इज्जत आज से मेरी इज्जत है, जाओ। उस प्रकार से राखी पाकर हुमायूं ने मेवाड़ की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। तातर खां हुमायूं से कहता है, यह आप क्या कर रहे हैं? आपको अब्बा जान की जानी दुश्मन की औरत ने, वो पुरानी बात याद दिला रहा है हुमायूं, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते। तातर खां को समझाते हुए हुमायूं कहता है कि तुम इस राखी की कीमत को नहीं जानते, ये दो छोटे छोटे धागे भी जानी दुश्मन को मोहब्बत की न टूटने वाली जंजीरों में जकड़ देते हैं। दो धागे के जो टुकड़े हैं ये पुराने भेदभाव सबको भुला देते हैं, और राखी पाने के बाद तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो भेदभाव रखेगा। यह तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे अपना भाई बनाया, और बहादुर शाह के खिलाफ मेवाड़ की हिफाजत के लिए मेरी मदद चाहिए। वो कहता है कि मेरी खुशकिस्मती है कि महारानी कर्मवती ने मुझे राखी भेजी और मेवाड़ की हिफाजत के लिए बहादुर शाह के खिलाफ मुझे बुलाया है। तातर खां, जहाँपना एक मुसलमान के ऊपर हिंदू को तरजीह, यानी कि आप एक मुसलमान के ऊपर यानी मुसलमान को मारने के लिए हिंदू को महत्व देंगे? हुमायूं, अरे कौन हिंदू और कौन मुसलमान? हुमायूं ने तातर खां को डांटते हुए कहा, कौन हिंदू कौन मुसलमान? खुदा ने पहले हम सबको इंसान बनाया है। क्या कहा उसने? कि ईश्वर ने हमें इंसान बनाया। यह जो कुछ मैं कह रहा हूँ खुदा के हुक्म के मुताबिक कह रहा हूँ, मैं जो भी कह रहा हूँ खुदा के आदेश के अनुसार कह रहा हूँ। और राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया सकता है? जब मेरे पास कर्मवती की राखी आ गई है उसके बाद तो सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। वो कहता है कि यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है, हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है। हिंदुस्तान के इतिहास को साक्षी मानकर हुमायूं तातर खां से कहता है, इन धागों ने हजारों कुर्बानियां कराई है, यानी कि इस पवित्र रिश्ते की आन बान शान और इज्जत के लिए कई लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है, बलिदान दिया है। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्मों रिवाज मुसलमान के लिए भी उतने ही प्यारे और पाक है जितने उनके लिए हैं। वो कहता है कि हमारे लिए भी हिंदुओं के रिश्ते, त्यौहार और नियम इतने ही पवित्र है जितने उनके लिए हैं। तुम भूलते हो कि हम सब एक परवरदिगार की औलाद हैं। वो कहते हैं हम सब ईश्वर की संतान हैं। सेनापति, परंतु सहसा जब हम स्वयं युद्ध के मैदान में दुश्मनों के सामने डटे हैं, ऐसे विकट समय में शेर खां को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ लौट जाना सल्तनत और दिल्ली के लिए खतरे से खाली नहीं है। वो कहते हैं हम स्वयं संकट में हैं, यदि शेर शाह हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है, हम यदि वहाँ चले जाएंगे तो वो हमारी सल्तनत यानी दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लेगा। इस बात को लेकर हुमायूं क्या कहता है? आप सोचने का वक्त नहीं है। हुमायूं कहता है कि कोई सोचने का वक्त नहीं है, बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों दौलतों ताकतों और सल्तनतों से बढ़कर है। उसने कहा कर्मवती का यह जो पैगाम मुझे मिला है ये सभी सल्तनत से बढ़कर है, मुझे सल्तनत की परवाह नहीं है, मैं इस रिश्ते की इज्जत सल्तनत कुर्बान करके भी रखूँगा, यानी कि मैं राज्य भी चला जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बहादुर शाह से युद्ध करूँगा, मुझे शेर खां की परवाह नहीं है। यदि मेरा दिल्ली का क्षेत्र उसके पास चला जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेवाड़ की रक्षा के लिए मैं पहले आगे बढ़ूँगा। मैं दुनिया को यह कहते नहीं सुनना चाहता कि मुसलमान बहन की इज्जत करना नहीं जानते। वो कहता है कि दुनिया अगर यह कहेगी कि कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी लेकिन हुमायूं ने राखी की लाज को नहीं रखा, तो मेरे लिए सबसे बड़ी शर्म की बात होगी, लज्जा की बात होगी।
तख्त से उतरकर भी एक बहन के दिल में जगह पा सकूं तो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा खुशमस्त इंसान समझूंगा। यदि राज्य खोने के बाद भी कर्मवती मुझे अपना भाई समझ लेगी तो मैं समझूंगा कि मैंने बहुत बड़ा कार्य किया है। हाथ पर बंधी राखी को चूमकर, बहन कर्मवती, तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे जो राजपूतों को देती आई है। सेनापति, जल्दी फौज तैयार करो और मेवाड़ की ओर प्रस्थान करो। इस प्रकार से कर्मवती की राखी पाकर हुमायूं जो है अपनी सल्तनत को बचाए बिना, शेर खां की परवाह किए बगैर, है ना, बहादुर शाह से मेवाड़ की रक्षा के लिए तैयार हो जाता है। तो राखी का मूल एकांकी का भावार्थ यह है कि हमारी जो पवित्र रिश्ते हैं, जो हमारे धार्मिक रस्में हैं, वो हिंदू और मुसलमान सभी लोग मानते हैं। यदि हृदय पवित्र हो, विचार पवित्र हो, तो सांप्रदायिक एकता हमेशा बनी रहती है। और प्रस्तुत एकांकी का उद्देश्य एकांकी के माध्यम से यह है कि दोनों धर्मों में एक दूसरे के प्रति सांप्रदायिकता बनी रहे, देश के अंदर सभी धर्मों को समानता का अधिकार मिले। ठीक है।